मैं यशपाल डोदलानी, नारायण ट्रेडर्स, A34 मोहना मंडी, जयपुर। प्याज सर बहुत डाउन है, 5 रुपए से लेके 13-14 रुपए तक प्याजें बिक रही है सारी मंडियों में। बिकॉज ऑफ दैट ये अभी तक पुराना खत्म नहीं हो रहा, और फर्स्ट टाइम है आज कितने सालों बाद पुराना अभी तक खत्म नहीं हो रहा, और क्वांटिटी भी पुराने की बहुत अच्छी आ रही है और क्वालिटी भी अच्छी आ रही है पुराने की। और नया जो है वो चारों जगह से आ रहा है, जैसे कि आप MP ले लो, कोटा ले लो, आप अलवर ले लो, आप भावनगर ले लो, और अजमेर ले लो, अभी अजमेर आने लग गया है, पाटन, अजमेर का पाटन। अजमेर का प्याज आज 13 रुपए बेचा सर ऊपर में जी, बिल्कुल। अलवर का प्याज तो बंद हो गया होगा? नहीं सर, अलवर रोड मंडियों में से आ रहे हैं, खेरतल मंडी में से अलवर प्रॉपर डायरेक्ट किसान भी लेके आ रहे हैं लोगों के पास। अलवर का प्याज काफी फेमस है। हाँ तो क्वांटिटी बहुत होती है सर, लाख लाख कट्टे रोज होते हैं, मतलब अभी तो खेरतल मंडी बना दी अलवर के पास में, तो 2 मंडियां उधर आस पास नियर टू। अलवर का ऊपर में 14-14.5 रुपए तक बिका सर जी सर। MP भी ये बिक रहा है सेम फायदा सेम। हाँ नासिक का माल आ रहा है ना पुराना, 13-14 रुपए बिक रहा है ऊपर में, 13-14 ऊपर में, और वो भी सुपर पत्ती वाला है चोपड़ा, तो इसमें 5-6 रुपए बिक रहा है। सर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती ना उसका भाव नहीं होता, जिसकी क्वांटिटी कम है। आज तक पुराना कभी नहीं आया इतिहास में, आज तक स्टिल अब सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जाता है। और अब नहीं सर, स्टोर था सब किसानों के पास, सारे किसानों के पास, नेपट वालों के पास इतना नहीं था, क्योंकि नासिक में जब बाजार चढ़ रहा था 22-23, तो उसको तोड़ने वाला इंदौर था सर, इंदौर में डायरेक्ट किसान आ रहे थे और उधर भाव बहुत डाउन था, तो नासिक को मजबूरन नीचे आना पड़ा जी। प्याज का एक्सपोर्ट नहीं हुआ इस साल अपने इंडिया से? सर एक्सपोर्ट ये पुराना खत्म होने वाला है, अब नया आने वाला है। अब पुराना मतलब ये मान लो एज, एक अकॉर्डिंग टू एज, प्याज भी एक एज के हिसाब से, जो इसकी एज हो गई, अब नया आना था सितंबर में, तो ये सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जाता है पुराना, मगर अभी तक स्टिल चल रहा है, तो इट्स अ वेरी बिग डील। तो अपना प्याज जो बांग्लादेश भी जाता है, बांग्लादेश लगातार जा ही रहा है, लेकिन कुछ श्रीलंका की वजह से कुछ इसमें थोड़ा प्याज नहीं निकल पाया, क्योंकि वहाँ पर जो राष्ट्रपति जी थे आमदनी बहुत ज्यादा। सर मैं बता रहा हूँ आपको बार बार एक ही चीज हो रही है कि पुराना प्याज अभी तक स्टिल है और अच्छी क्वांटिटी अच्छी मात्रा में है, सबसे बड़ी चीज होती है मात्रा, वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत बड़ा है अभी तक पुराने का, जबकि ये सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जाना चाहिए, दिसंबर चल रहा है, तो इसने नए की कमर तोड़ रखी है। हाँ मैं अब ये प्याज अभी तक नजर घुमा के दिखाएं, ये 7-8-9 रुपए में प्याज बिकी है, आप प्याज की क्वालिटी देखें। हाँ नहीं ये झालावाड़ किसानों की गाड़ी है, MP रतलाम से बोलते हैं। हाँ यहाँ आकर 7-8 रुपए बिक रही है सर, इस साल तो लेट बहुत ज्यादा लेट हो गया सर, एज हो गई इन्हें। एग्जाम्पल अगर अपन किसी भाषा बात करें तो एक अकॉर्डिंग टू एज हर चीज डिपेंड करती है, जैसे आप डिपेंड करेगी अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी होता है 100 साल क्रॉस, तो उसके लिए भी अपन कई बार दुआ करते हैं कि यार चला जा, तो ये उसी की हालत हो चुकी है, 100 साल से ऊपर जी लिया सर, ये सितंबर में खत्म होना था, अब पर डे टू डे ईयर है मतलब इसका, कि जैसे आज एक दिन और लेट कर रहे हो तो आप एक साल और लेट कर रहे हो, मतलब एक अकॉर्डिंग टू एज की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये दिसंबर अभी तक तो सर बहुत दूर दूर तक नहीं दिखता रही है, और यही कमर तोड़ के बैठा है पुराना बहुत भयंकर। मैं बता रहा हूँ नासिक, आप तो उसकी बात कर रहे हो, नासिक 13 रुपए बेचा है हमारी मंडी के अंदर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, फिर बारदाना, बारदाना 1 रुपए का हटा लो तो 12 रुपए का नासिक बिका है जयपुर में, मतलब 3-3.5 रुपए का अगर भाड़ा हटा लो तो आप वैल्यू लगा लो, क्या वैल्यू उसने वहां खरीदा होगा, प्लस आड़त दी होगी, प्लस कमीशन लगी होगी, लेबर लगी होगी वहां पे यहाँ पे, तो क्या पोसा रहा होगा, मगर फिर भी स्टिल आ रहा है, फिर भी आ रहा है। मतलब पड़ता है जी, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा, बिल्कुल एग्जैक्टली सबको नुकसान है सर, ऑल ओवर सबसे ज्यादा किसान बेचारे हमारे जो भाई है किसान भाई, सबसे ज्यादा नुकसान उनको हुआ, बिकॉज ऑफ दैट कि उन्होंने प्याज रखा हो झालावाड़ में, जैसे बारिश हो गई तो जितने भी झालावाड़ MP के साइड से उनको लगा कि यार हमारे तरफ बारिश हो गई प्याज खत्म हो गया मतलब भाव आएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं जी। हाँ सर,
आलू सर पुराना है, पुराना 6-7 रुपए किलो बिक रहा है सर। यूपी का ही आलू खाते हैं सर, अभी पंजाब हरियाणा भी आ रहा है सर। जी सर, पंजाब नया बिक रहा है 12 रुपए से लेके 15 रुपए तक। जी सर, आलू सर अभी नहीं पता पड़ेगा, आलू का पता पड़ेगा अभी जब यूपी नया आएगा तब। अभी तो हरियाणा पंजाब आ रहा है सर, हरियाणा पंजाब पूरा ऑल ओवर इंडिया खिलाता है सर। ये दो जो है इलाके अभी नए प्याज में, नए आलू में जो बोले जाते हैं उसके अंदर दो बड़ा अच्छा होल्ड है इन लोगों, इन दोनों स्टेट्स का, जैसे पंजाब और हरियाणा। तो अभी अपना जैसे पंजाब और हरियाणा चल रहा है, मतलब गाड़ियां कम आ रही है नए की, तो इसलिए पुराना बिक रहा है। पुराना 4-5-6-7-8 जैसा माल वैसा भाव, नए माल का 13-12-14-15 रुपये तक सौदे बिके आज। ये रिपोर्ट है सर, थैंक यू सर।